निर्वाचन चुनाव आयोग ने एक अच्छी पहल की है। आज हम झालावाड़ जिले के डग विधानसभा के घटोल ग्राम पंचायत के उच्च प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय में पहुंचे हैं। यहां दिव्यांगजन ही वोट कर पाएंगे और सबसे बड़ी बात है कि इस बार सरकार ने दिव्यांग अध्यापकों को ही इस ऑब्जर्व पे लगाया है, जो कि हमने उनसे जब बात की तो वो काफ़ी उन्होंने कहा कि हमें मुख्य धारा में जोड़ा गया है। हम भी ये सोचते थे कि किसी समय हम भी मतदान कराएं, लेकिन जब हमने यहाँ के दिव्यांग टीचरों से जो बात की जो कि यहाँ लगाए गए हैं ड्यूटी पे तैनात है, उन्होंने बड़ा प्रसन्न होकर कहा कि ये जो पहल है निर्वाचन चुनाव की बहुत अच्छी है और इससे हमें मुख्य धारा में जोड़ा गया है। हम बात करते हैं झालावाड़ जिले की अपुतु, तो लगभग 11 लाख से अधिक मतदाता हैं और हम आज की बात करें तो 11,000 कर्मचारियों को अपने अपने मतदान दल केंद्र द्वारा भेजा गया है। हम बात करें खानपुर, मनोर थाना, डग, झालरा पाटन की, तो सब जगह चेक पोस्ट बनाई गई है, वो अपनी अपनी तरह से मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में रिजर्व उपखंड 8 उपखंड है, वहाँ रिजर्व भी लगाए गए हैं, किसी की अगर तबीयत खराब होती है तो उसके बदले में वो काम करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि खबर 24 न्यूज़ ने ऐसी खबर को आपके बीच लाने की कोशिश की है कि पहली बार मुख्य धारा से जुड़े निशक्त जन जो मतदान भी कराएंगे और खुद एक निशक्त है और इस योजना को लेकर, इस सरकार की पहल को लेकर, निर्वाचन चुनाव की पहल को लेकर काफ़ी खुश मानते हैं। उनसे हमने बात कही तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी पहल है, दूसरे भी लोग प्रेरित होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान होगा। खबर 24 न्यूज़ की पूरी टीम लगातार जो है मतदान दल पर पहुंचकर मतदान केंद्र का जायजा ले रही है। हम विधानसभा के गरोड़ ग्राम पंचायत के उच्च माध्यमिक विद्यालय में, हम आपको दिखा दें यहाँ अभी जो बूथ केंद्र बनाया गया है ये दिव्यांग बूथ केंद्र है और यहाँ जो मतदान जो दल की टीम है वो भी दिव्यांग है। कोई चौमेला से हैं, कोई डग से हैं, कोई सुनेल से हैं और कोई मनोर थाना से। यहाँ पर दिव्यांग जो है अपना मत का उपयोग करेंगे। टोटल ग्राम पंचायत जो है इस मतदान केंद्र पर जो बताया है 1200 करीब मतदाता है और यहाँ जो है घटोल ग्राम पंचायत का एक दिव्यांग बूथ केंद्र जो है वो बनाया गया है। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं जो यहाँ बिल्कुल हैंडीकैप हैं और कहीं ना कहीं शरीर से अपने अस्वस्थ माने जाते हैं, ऐसे में उनसे भी बात करेंगे और यहाँ जो अध्यापक लगाए गए हैं जो मतदान कराएंगे उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। वो जितने भी हैं 4 से 5 जो हैं वो दिव्यांग हैं। अब आगे हम चलते हैं, आपको कोशिश बताते हैं कि डग विधानसभा में कल सुबह से 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होना है। 280 जो है मतदान केंद्र है, रिजर्व जो है अभी SDM ऑफिस में पहुंचे हैं, 255 टीम जो है वो डग चौमेला की रवाना हो गई है, बाकी टीम पीपलिया आदि पंचायतों की मतदान दल केंद्र पर पहुंच रही है। ऐसे में खबर 24 न्यूज़ हर खबर पर अपडेट रख रहा है। हम जानने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो दिव्यांग मतदान केंद्र बनाया है, महिला बूथ केंद्र बनाया है, इस बार निर्वाचन आयोग ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था की है और सुबह आपको हमने ये अपडेट पूरा दिखाया है कि झालावाड़ में मतदान दल कैसे ट्रेनिंग कर अपने अपने विधानसभा में पहुँच रहा है। कुमार जैन, GUPS किशन नगर, ब्लॉक डग से, दिव्यांग बूथ पर राम निवास घटोद में मुझे लगाया गया है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम CWSN कर्मचारियों को भी मुख्य धारा में लाया गया और एक अच्छा माहौल लगाया गया और सरकार के द्वारा ये जो प्रयास किया गया ये बहुत अच्छा है। इससे एक जो CWSN के मन में जो हीन भावना होती है उससे उबारने की कोशिश की गई है, मुख्य धारा में जोड़ने का कोशिश की गई है। बहुत अच्छी सरकार ने ये पहली बार ही किया है और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा हमें भी। अब हम भी जागरूक मतदाता को जागरूक भी कर रहे हैं और हम भी जो सामान्य आदमी उसके बरोबर काम करने की क्षमता हम में भी है, ये इससे भी महसूस हुआ हमें। धन्यवाद। 1232 चुनाव श्री गौरीशंकर। गौरीशंकर जी, घटोल ग्राम पंचायत में दिव्यांग जो मतदान केंद्र बनाया है, आप भी एक दिव्यांग है, किस तरह का सरकार ने ये जो काम किया? सरकार का डिसीजन बहुत अच्छा है। सरकार चाहती है कि हम जो लोग मुख्य धारा से कटे हुए थे, जैसे हम स्कूल में हमारा डेली का काम करते हैं, वैसे सरकार का भी मानना है कि भाई हम अच्छे आके और काम करें और चुनाव में भी हमारी भागीदारी निभाएं, हम इससे लोकतंत्र मजबूत होगा और जो दिव्यांग लोग हैं, जो सामान्य हमारे गांव के अंदर रहते हैं, कस्बों के अंदर, उन नागरिकों को प्रोत्साहन मिलेगा। कहीं एक अपनी दिव्यांगता की वजह से बूथ तक नहीं आ पाते हैं, तो वैसे तो उनके लिए सरकार ने कुछ सुविधाएँ की है,
डाक मत पत्र वहाँ डालने के लिए, लेकिन फिर भी उनको मिलेगा कि अगर लोग हम लोग काम कर सकते हैं तो वो भी वहाँ आके और बूथ पे अपना वोट डाल सकते हैं। इस तरह का मैसेज आए, इस तरह का मैसेज जाएगा। तो आपको मतलब इस बार एक नया जो है? हाँ, नया, बिल्कुल नया एक्सपीरियंस मिला है हमको, और हमें अच्छा भी लग रहा है कि भाई हम एक जैसे लोग हैं हम, और हमारा हम सोच के भी आए हैं कि हम पूरी संपूर्ण रूप से अच्छी तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभा के इस चुनाव को सफल बनाएंगे। तो चुनाव आयोग ने जो किया बिल्कुल अच्छा। हाँ, बहुत शानदार डिसीजन है। खुश है इससे आप? खुश हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट जो हैं आप लगातार जिस तरह से पूरी भवानी मंडी में महिला बूथ केंद्र बनाए गए हैं और 280 जो है पोलिंग पार्टी रवाना कर दी, जिसमें 255 पोलिंग पार्टी अपने मतदान दल के अपने मंदरा केंद्र पर पहुँच चुकी है। किस तरह का हायर सेकेंडरी स्कूल महिला बूथ केंद्र बनाया गया? सेठ आनंदीलाल पोद्दार के अंदर 3 महिला बूथ दिए गए हैं और तीनों की तैयारियां लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं और प्रत्येक बूथ पर महिला ही कार्य कर्मचारी कार्यरत रहेगा, कांस्टेबल भी महिला है, सारी व्यवस्थाएं महिला ही देखेंगी। पूरी कितने मतदाता हैं इस पूरी को? इसमें लगभग 3,500। 3,500 तो कितने मतदान केंद्र जो है वो बने हैं? 3 मतदान केंद्र बने हैं। 3 मतदान केंद्र बने हैं। और इस बार सरकार ने दिव्यांगजनों को लेकर भी एक बहुत बड़ी पहल की है, मुख्यधारा में जोड़ने का काम किया है, उसके लिए ये भी बहुत अच्छी पहल है। हमारे जो कर्मचारी हैं जो थोड़ा बहुत दिव्यांग हैं, 40% से अधिक हैं, उन सब कर्मचारियों को भी इस बार मौका दिया गया है कि वह भी इस चुनाव कार्य में कार्य करें। और ये पहली बार जो आपने कहा कि पिछले 2018 में कुछ एक दो महिला लगाकर ये कोशिश की गई थी कि हम महिलाओं को लगाएं, लेकिन 2018 में स्थानीय विद्यालय में एक बूथ दिया गया था और एक चौमेला में दिया गया था। केवल ब्लॉक के अंदर 2 बूथ दिए थे, प्रत्येक ब्लॉक के अंदर 2 बूथ दिए थे। इस बार प्रत्येक ब्लॉक के अंदर 8 बूथ दिए गए। 8 बूथ दिए गए। इनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण के लिए, इनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरा जाप्ता रखा हुआ है जी, जिसमें गनमैन वगैरह सारे यहीं पर सुरक्षित। तो मतलब आप शांतिपूर्ण मतदान होगा और यहाँ आएगा तो ऐसा लगेगा बिल्कुल शांतिपूर्ण रहेगा और इसको पूरा पिंक सिटी का रोल अदा किया गया। और यहाँ पर जब आएगा वोट डालने के लिए तो उसको अलग ही नजरिया देखने को मिलेगा और आप खुद देख लीजिए कि कितना बढ़िया हम लोग मेहनत कर रहे हैं या सरकार किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा सब प्रश्न मतदान करने को लेकर आप पूरी पहल कर रहे हैं। बिल्कुल। दिव्यांग मतदान केंद्र पर दिव्यांग ही काम कर रहे हैं, ये खबर 24 न्यूज़ ने अभी आपको वर्तमान में भी लगातार दिखा रहे हैं। ऐसे में हम पहुँचे हैं झालावाड़ जिले के भवानी मंडी के हाई सेकेंडरी स्कूल में, जहां महिला मतदान केंद्र बनाया गया है। हम आपको जानकारी पूरी दे दें कि 2018 में महिलाओं को मतदान केंद्र पर लगाकर ये कोशिश की गई थी कि महिला ही वोट कराएं और महिला ही मतदाता वोट करें, लेकिन आज 2023 विधानसभा चुनाव में महिला मतदाता को एक मतदान केंद्र पर लगाया, यानी कि 18 से 20 महिलाएं जो हैं वो मतदान कराएगी। ये सबसे बड़ी पहल जो है निर्वाचन चुनाव आयोग की है। ऐसे में हमने कुछ समय पहले, कुछ ही देर पहले यहाँ के ऑब्जर्वर से सुरेश जी मालवी से भी हमने बात की, उन्होंने विस्तार से पूरी जानकारी दी। और खबर 24 न्यूज़ हर मतदान केंद्र पर पहुँच रहा है, जहाँ पर खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, पिंक सिटी जैसा माहौल जो है वो देखने को मिला है। जब मतदाता जब मत डालने आता है तो उसे लगता है कि कहीं मैं पसीने में चूर ना हो जाऊं, मेरे को मतदान डालना जल्दी जल्दी है, लेकिन उसके बैठने की व्यवस्था माकूल की गई है और एक सुंदर सज्जा जो है इस बार निर्वाचन चुनाव आयोग ने की गई है। ऐसे में आपको जानकारी फिर से दे रहा हूं कि झालावाड़ जिले में 10.5 से 11 लाख मतदाता है। हम बात करें आपको तो डग विधानसभा की 2,64,000 मतदाता है। अभी देखने वाली बात होगी कि 23 प्रत्याशी जो है इस झालावाड़ जिले के मैदान में है। अब कौन अपने भाग्य का पिटारा खोलेगा ये तो 3 तारीख को ही पता चल पाएगा, लेकिन कल जो है मतदान है, कल सुबह 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक मतदान होना है और 100% मतदान करना ऑब्जर्वर की ड्यूटी होती है, रिटर्निंग अधिकारी की जिम्मेदारी होती है। ये पूरी तरह से जो महकमा है ये पूरी तरह से जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहा है और खबर 24 न्यूज़ लगातार उन मतदान केंद्र पर जाकर एक व्यवस्था का माहौल दिखाने की बात कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि आखिर में इस बार निर्वाचन आयोग जो है किस तरह का सख्त है और 100% मतदान करने को लेकर वो आतुर है। खबर 24 न्यूज़ ये अपील करता है कि सुबह 7 बजे घर से निकलें और अपने बूथ केंद्र पर जाकर मतदान करें।